हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तथा कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि हीट फ्लो का अध्ययन जो होता है उसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। टर्मिनोलॉजी में हमने सिस्टम पढ़ा था, सराउंडिंग, यूनिवर्स और बाउंड्रीज पढ़ी थी। सिस्टम हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड का वह भाग जिसे थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए चुना जाता है वह तंत्र कहलाता है। सराउंडिंग के बारे में पढ़ा था कि ब्रह्मांड का शेष बचा भाग सराउंडिंग कहलाता है। बाउंड्री के बारे में पढ़ा था कि सिस्टम और सराउंडिंग को पृथक करने वाली रेखा बाउंड्री कहलाती है। यह बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, और यह बाउंड्री जो है यह डायाथर्मल और एडियाबेटिक भी हो सकती है। आज हम इससे आगे का कंटेंट पढ़ते हैं। और इससे पहले हमने जो सिस्टम्स हैं उसके टाइप्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मास एंड हीट, और उसके आधार पर हमने पढ़ा था कि जो सिस्टम हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आज हम सिस्टम का अगला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पर सिस्टम को भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं, और इस आधार पर हम सिस्टम को टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। टू टाइप के सिस्टम होते हैं, होमोजीनियस सिस्टम एवं हेटरोजीनियस सिस्टम। स्टूडेंट्स, होमोजीनियस सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जिनका केमिकल कॉम्पोजिशन, रासायनिक संगठन सर्वत्र एक समान हो, अर्थात तंत्र के सभी भागों का रासायनिक संगठन भिन्न भिन्न ना हो, केवल एक समान हो, अर्थात नंबर ऑफ फेजेस, प्रावस्थाओं की संख्या कितनी हो, नंबर ऑफ फेजेस का जो है वो नंबर वन होता है, अर्थात प्रावस्थाएं, एक ही प्रावस्था उपस्थित होती है ऐसे सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ गैसेस, यदि हम दो या दो से अधिक गैसेस का मिक्सचर लेते हैं तो वो आपस में मिक्स होकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं। इसी प्रकार से मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉल्युबल लिक्विड्स, अर्थात यदि दो या दो से अधिक आपस में विलयशील लिक्विड जैसे कि पानी प्लस एल्कोहल, H2O प्लस एल्कोहल, इन दोनों को अगर अपन आपस में मिक्स कर दें तो इनके बीच में कोई लेयर्स नहीं रहती हैं, ये आपस में अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, अर्थात एक होमोजीनियस का मिक्सचर का निर्माण करते हैं, कोई बाउंड्री नहीं रहती है और तंत्र का सर्वत्र एक समान केमिकल कॉम्पोजिशन रहता है। इसी तरह से प्योर सॉलिड ले लें तो वो भी एक होमोजीनियस सिस्टम होता है, इसी तरह से प्योर लिक्विड भी होमोजीनियस सिस्टम होता है। नेक्स्ट सिस्टम आता है हेटरोजीनियस सिस्टम। हेटरोजीनियस सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जिनमें एक से अधिक फेजेस होती हैं, अर्थात प्रावस्थाओं की संख्या मोर देन वन होती है, और प्रावस्थाओं की संख्या मोर देन वन होने के कारण इनका भिन्न भिन्न भागों का रासायनिक संगठन भिन्न भिन्न होता है, अर्थात तंत्र के ऊपरी भाग का रासायनिक संगठन अलग होगा और अलग भाग दूसरे भाग का रासायनिक संगठन अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स, दो सॉलिड को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो वह आपस में कभी भी पूर्णतया मिक्स नहीं होते हैं, अर्थात वो एक हेटरोजीनियस सिस्टम बनाते हैं और उनमें फेजेस की संख्या जो होती है वो एक से अधिक होती है, अर्थात दो फेजेस के मध्य बाउंड्री उपस्थित होती है, सीमा रेखा उपस्थित होती है। इसी तरह से दो इमिसिबल लिक्विड्स, अर्थात अमिश्रणीय लिक्विड्स को हम आपस में मिक्स कर दें, फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड बेंजीन, वाटर और बेंजीन जो है उनको आपस में एक बीकर में हमने डाल लिया और बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया, तो भी थोड़ी देर छोड़ने के पश्चात हम देखेंगे कि 15 मिनट बाद हम देखेंगे कि दो लेयर्स इस बीकर में बन जाती हैं, ऊपर की लेयर बेंजीन की होती है और नीचे की लेयर पानी की होती है, अर्थात इन दोनों फेजेस के बीच में बाउंड्री उपस्थित हो जाती है, अर्थात जो सिस्टम होता है वो होमोजीनियस नहीं रहता है, हेटरोजीनियस हो जाता है। इसी तरह से किसी भी सब्सटेंस का कोलोइडल सॉल्यूशंस जो होता है वो भी एक हेटरोजीनियस सिस्टम होता है, क्योंकि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं तो पूर्ण रूप से विलयशील, सॉल्यूबल नहीं होते हैं। इस तरह से हमने सिस्टम को दो भागों में वर्गीकृत किया, होमोजीनियस सिस्टम एंड हेटरोजीनियस सिस्टम।
अब हम आते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हैं वो चार लॉज हैं। फर्स्ट लॉ जो है, सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का शून्यांक का नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यांक का नियम क्या कहता है कि यदि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, ए एंड बी, दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, और वो पृथक पृथक रूप से सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अर्थात ए का ताप सी के ताप के समान है तथा बी का ताप भी सी के ताप के समान है और दोनों ही इक्विलिब्रियम में हैं, तो ए और बी को भी आपस में कांटेक्ट में रखने पर, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखने पर ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाती हैं, अर्थात तापीय साम्य इनके मध्य भी उपस्थित हो जाता है। इसको हम नेक्स्ट डायग्राम में समझते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा कि बॉडी ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और इसी प्रकार बॉडी बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, पृथक पृथक थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी बॉडी को भी एक साथ आपस में एक कांटेक्ट में रखने पर ए और बी भी आपस में तापीय साम्य में आ जाती हैं और इस प्रकार का जो लॉ होता है ये शून्यांक का नियम है, अर्थात तीनों ही बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो एक समान हो जाता है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अर्थात ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म यानी कन्वर्ट किया जा सकता है, अर्थात ऊर्जा और ऊष्मा जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होती और कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, परंतु हमेशा ये किसी भी प्रोसेस के दौरान ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती हैं। यह यूनिवर्स का जो है ये नियम है, अर्थात जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसकी एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है ना, फिक्स रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, न घटती है न बढ़ती है। नेक्स्ट लॉ आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी के बारे में बताता है कि हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है उसकी एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, ठीक है, और एंट्रोपी का क्या मतलब है, एंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ डिसऑर्डर, अर्थात अव्यवस्था का माप है, तो हमारे ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है मतलब हमारे ब्रह्मांड में अव्यवस्था डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। नेक्स्ट लॉ आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के लिए होता है। यह बताता है कि प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी का मान भी जीरो होता है, अर्थात शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ, रासायनिक पदार्थ अगर हम लेते हैं और उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसकी एंट्रोपी भी जीरो होती है। यह थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। नेक्स्ट आते हैं हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ पर। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो टू टाइप्स, दो प्रकार की होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, अर्थात वे प्रॉपर्टीज़ जो कि तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, पदार्थ के गुण पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात यदि पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तंत्र में तो उस प्रॉपर्टी का मान ज़्यादा होगा और यदि तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा कम है तो उस प्रॉपर्टी का मान भी कम होगा। फॉर एग्जांपल मास, मास हमें पता है कि एक किलोग्राम मास होता है, उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक किलोग्राम के बराबर ही होगी और यदि हम एक ग्राम मास लें तो उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कम होगी, अर्थात पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर रहे हैं। वॉल्यूम, जैसे 10 लीटर सॉल्यूशन हमने ले लिया और 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया, तो ये दोनों इनकी क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिफरेंट है इसलिए इनकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हैं। इसी तरह से हम हीट कैपेसिटी अगर लें, हीट कैपेसिटी क्या होती है, ऊष्माधारिता होती है। ऊष्माधारिता की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो क्या होती है, ऊष्माधारिता एक ग्राम पदार्थ का ताप एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊष्माधारिता कहलाती है। एक ग्राम पदार्थ का ताप नहीं,
किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा हीट कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, तो अगर पदार्थ कम है तो उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी, और पदार्थ का अमाउंट ज़्यादा है तो उसकी हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर पदार्थ की मात्रा कम है तो उसके नंबर ऑफ़ मोल्स भी कम होंगे, और यदि पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ मोल्स भी ज़्यादा होंगे। इसी तरह से सरफेस एरिया, पदार्थ कम है तो वो कम सरफेस एरिया घेरेगा, और पदार्थ ज़्यादा है तो वो सरफेस एरिया ज़्यादा घेरेगा। इसी तरह से इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, किसी भी तंत्र में अगर पदार्थ की मात्रा कम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, और पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये सब एग्जांपल्स हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के। एंट्रोपी हमें पता ही है, मेजर ऑफ डिसऑर्डर, अर्थात यदि पदार्थ की मात्रा कम है तो उसकी एंट्रोपी भी कम होगी, यानी उसमें डिसऑर्डर भी कम ही होगा, और यदि पदार्थ ज़्यादा है तो उसका डिसऑर्डर भी ज़्यादा होगा, अर्थात उसकी एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ यानी गहन गुण, अर्थात वे गुण जो कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर ना करके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। पदार्थ की मात्रा और प्रकृति, मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, केवल प्रकृति पर निर्भर कर रहे हैं। अर्थात अगर पदार्थ चेंज होता है तो उसकी वो प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यानी श्यानता, डेंसिटी यानी घनत्व, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एट्सेट्रा। अब जैसे हम देखें कि हमने बॉइलिंग वाटर ले लिया, एक गिलास में भी ले लिया और एक हमने 10 लीटर के फ्लास्क में भी ले लिया। तो ग्लास और 10 लीटर फ्लास्क में हमने उबलता हुआ जल लिया है तो दोनों का टेम्परेचर सेम ही होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अमाउंट ऑफ वाटर पर डिपेंड नहीं कर रहा कि कम पानी है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और ज़्यादा पानी है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ये प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अर्थात जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट है ये हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, चाहे वो 1 लीटर पानी हो चाहे वो 10 लीटर पानी हो। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट भी यही है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं डेंसिटी। डेंसिटी जैसे हमने सरसों का तेल ले लिया और जल ले लिया, तो सरसों के तेल की डेंसिटी डिफरेंट होगी और जल की डेंसिटी डिफरेंट होगी। चाहे हम अमाउंट ज़्यादा ले लें या कम ले लें, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे हम 10 लीटर वाटर ले लें चाहे हम 1 लीटर वाटर ले लें, दोनों की डेंसिटी सेम रहेगी सिमिलर टेम्परेचर पर। इसी तरह से अल्कोहल और सरसों के तेल की डेंसिटी अलग अलग होती है, अर्थात नेचर ऑफ सब्सटेंस पर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। जैसे इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जल का अलग होगा, ग्लास का अलग होगा, अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो पदार्थ के गुणों पर आधारित होती हैं, ना कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? ऊष्मागतिक साम्य। ऊष्मागतिक साम्य जो होते हैं वे साम्य जिनका मान या जिनका मान समय के साथ परिवर्तित ना हो या जो समय के साथ डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, जैसे 3 प्रकार के ऊष्मागतिक साम्य होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एवं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम यानी तापीय साम्य। यदि किसी तंत्र का टेम्परेचर, ताप समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है, अर्थात समय के साथ तंत्र का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वे साम्य तापीय साम्य कहलाते हैं, अर्थात थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाते हैं। अर्थात यहाँ समय के साथ टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, अर्थात चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू dT यानी 0 के बराबर होता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में ताप का मान समान होगा। ठीक है, फिर आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम अर्थात यदि तंत्र का केमिकल कॉम्पोजिशन सर्वत्र एक समान हो, अर्थात तंत्र में जो उपस्थित प्रावस्था है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन समान होता है, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अर्थात तंत्र की जो प्रावस्थाएं हैं उनकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता हो तो ऐसे तंत्र
रासायनिक साम्य कहलाते हैं, रासायनिक साम्य में कहलाते हैं। थर्ड इक्विलिब्रियम है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अर्थात यांत्रिक साम्य। यांत्रिक साम्य का मतलब ये हुआ कि यदि सिस्टम का एक पार्ट दूसरे पार्ट पर कोई यांत्रिक कार्य नहीं करे, ठीक है, अर्थात चेंज इन वर्क, चेंज इन वर्क यानी कोई वर्क ना हो और वर्क डन जो हो वो ज़ीरो हो, अर्थात यदि प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर का मान सेम होता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ जो वर्क होता है वो पी डी वी के बराबर होता है, और डी पी अगर जीरो हो यानी प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो तो वर्क डन भी सेम रहता है, अर्थात तंत्र का कोई एक भाग दूसरे भाग पर यदि कोई कार्य नहीं करता है, फ्लो ऑफ वर्क नहीं होता है, कार्य का प्रवाह नहीं होता है, तब हम कहते हैं कि वह तंत्र मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है अर्थात यांत्रिक साम्य में है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए चेंज इन प्रेशर का मान ज़ीरो होता है अर्थात प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट ऑफ सिस्टम किसी भी तंत्र की अवस्था को निर्धारित करने वाले कारक, उस तंत्र का टेम्परेचर, उस तंत्र का प्रेशर, तंत्र का वॉल्यूम और तंत्र का केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो ये जो गुण हैं तंत्र के, टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल कॉम्पोजिशन और वॉल्यूम, ये स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं क्योंकि ये तंत्र की अवस्था को निर्धारित करते हैं, और इन गुणों में यदि कोई परिवर्तन होता है समय के साथ तो तंत्र की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इनको वेरिएबल्स ऑफ स्टेट या स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, अवस्था चर कहते हैं या तंत्र के अवस्था चर भी इनको हम कहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए तंत्र के टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है तो तंत्र की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, तंत्र के प्रेशर में चेंज आ रहा है तो भी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, वॉल्यूम में चेंज आता है अथवा केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है तो भी तंत्र की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो गुण हैं तंत्र के, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन, ये गुण तंत्र की अवस्था फलन भी कहलाते हैं, अर्थात ये गुण जो हैं वो तंत्र की केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करते हैं, अर्थात इन गुणों का मान तंत्र की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करता है, अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए हम इनको स्टेट फंक्शंस भी कहते हैं या स्टेट वेरिएबल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी एटसेट्रा, ये सारे गुण जो होते हैं ये तंत्र के जो हैं वो स्टेट फंक्शंस होते हैं। एक दूसरे फंक्शन होते हैं पाथ फंक्शंस, अनदर फंक्शंस आर पाथ फंक्शंस, पथ फलन होते हैं। पथ फलन जो होते हैं उनका मान तंत्र के अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है और प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करता है, ऐसे फलन पथ फलन कहलाते हैं। हम टॉपिक पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस यानी कि ऊष्मागतिक प्रक्रम। ऊष्मागतिक प्रक्रम अर्थात यदि कोई चेंज होता है किसी सिस्टम में, प्रोसेस या कोई चेंज होता है तो वो प्रोसेस जो है उस प्रोसेस कितने प्रकार के हो सकते हैं, वो प्रोसेस जो हैं 6 प्रकार के होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस एंड पाथ। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। वे प्रक्रम समतापीय प्रक्रम, वे प्रक्रम समतापीय प्रक्रम कहलाते हैं जिनमें अवस्था परिवर्तन के दौरान या उस प्रक्रम के दौरान तंत्र का ताप कांस्टेंट रहता है, अर्थात तंत्र के ताप में कोई चेंज नहीं आता है, तो ये प्रक्रम कहलाते हैं समतापीय प्रक्रम कहलाते हैं, अर्थात चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और मान लीजिए कोई प्रक्रम है ऊष्मागतिक प्रक्रम हो रहा है और वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें कि ऊष्मा का
उत्सर्जन हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, तो इसलिए क्या होगा, तंत्र का ताप बढ़ सकता है क्योंकि ऊष्मा रिलीज हो रही है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो तंत्र का ताप ना बढ़े इसके लिए तंत्र क्या करता है, इस एक्स्ट्रा ऊष्मा को, जितनी ऊष्मा रिलीज हुई उस ऊष्मा को ये सराउंडिंग को ट्रांसफ़र कर देता है। तंत्र अपने परिपार्श्विक को जितनी भी हीट रिलीज हुई, जितनी भी ऊष्मा उत्सर्जित हुई, उसको परिपार्श्विक को ट्रांसफ़र करके अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सिस्टम आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाते हैं। एवं मान लीजिए यदि कोई प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है या ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ठीक है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम में क्या होगा, वो प्रोसेस में तंत्र के द्वारा ऊष्मा को अवशोषित किया जाएगा, और ऊष्मा अवशोषित किया जाएगा तो तंत्र का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये तंत्र का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, कम ना हो, इसके लिए तंत्र क्या करेगा, अपने सराउंडिंग से ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा ताकि तंत्र का टेम्परेचर सेम रहे। तो इसका मतलब यही हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस समतापीय प्रक्रम वे प्रक्रम होते हैं जिनके दौरान तंत्र का तापक्रम नियत रहता है, चाहे ऊष्माशोषी प्रक्रम हो या ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम हो, दोनों प्रक्रम के दौरान तंत्र उस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए या तो ऊष्मा को उत्सर्जित कर देगा या ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके लिए ये तंत्र फ्री रहता है, यानी ऊष्मा अवशोषण अथवा ऊष्मा उत्सर्जन के लिए, यानी ऊष्मा के एक्सचेंज विनिमय के लिए तंत्र फ्री रहता है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है, सेकेंड प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस रुदोष्म प्रक्रम होते हैं। रुदोष्म प्रक्रम वे प्रक्रम होते हैं जो कि अपने इन प्रक्रम के दौरान ना तो तंत्र के द्वारा कोई हीट एब्जॉर्ब की जाती है, ना ही कोई हीट को उत्सर्जित किया जाता है। अर्थात इन प्रक्रम के दौरान तंत्र की हीट चेंज, अर्थात चेंज इन क्यू, हीट चेंज का मान ज़ीरो होता है। आज हम हमारे लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर हम अगली बार